प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर के कस्बे बुढ़ाना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरे एक आदमी से बात करते हो ना, अरे क्या हाथ जोड़ते हो ना, यही काम शुरू कर दो आप इस चुनाव में। तैयार बैठे लोग भाजपा के खिलाफ, सब नाराज है, लेकिन वो सोचते हैं ये मुझसे आके कुछ कह दे, ये तो सोच रहे हैं ना। और ये मत भूल जाना कि भाजपा ऐसे ही हार मान जाएगी, पैसा बांटेंगे कष्ट, हर एक गांव के प्रधान को सरकारी कारिंदे तंग करेंगे, धमकी देंगे, कह देंगे तुमको हटा देंगे, झूठे केस लगाएंगे लोगों पे, इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर हर एक व्यापारी को फोन करेगा। तो इसलिए आप लोगों को सबको हिम्मत देनी है, जिनको ये डराएंगे धमकाएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, करूंगा, परेशान हो भी है लेकिन डर जाते हैं कुछ लोग। जैसे सब लोग कह रहे हैं कि व्यापारी सबसे ज्यादा बर्बाद हो गया, छोटा व्यापारी, लेकिन वे भी कहते हैं वोट नहीं देना, कहते हैं ना, उनको समझाने की जरूरत है ना। भैया जी, जो किसान का गन्ने का 12,000 करोड़ बाकी है उत्तर प्रदेश में, अगर ये किसान को मिल गया तो 2 महीने में तो व्यापारियों की जेब में पहुंच जाएगा। उनको भी तो समझना चाहिए। बताते चले आपको कि अजीत सिंह की पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके बीते दिनों यूपी में हुए उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मात दी थी। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।